Hello everyone, in this video we'll do the very important topic of your English Olympiad, that is adjective. So what is adjective? Adjectives are a describing word. ठीक है, adjective होते हैं describing word that describe about the noun or pronoun, जो कि noun और pronoun को describe करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि noun और pronoun कैसा है. ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं विशेषण. जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसी टाइप में इंग्लिश में हम इनको एडजेक्टिव बोलते हैं. और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, सो उनको हम बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोल सकते हो आप और एडजेक्टिव भी. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी गर्ल, यहाँ पे एक लड़की का फोटो है और वो दिखा रखा है, शी इज़ हैप्पी. अब गर्ल क्या है, यहाँ पे नाउन है, लेकिन नाउन के बारे में क्या बताया गया, नाउन मतलब गर्ल, गर्ल इज़ हैप्पी, तो हैप्पी हेयर इज़ एडजेक्टिव. ठीक है, क्योंकि गर्ल हमारी नाउन है और नाउन को क्या डिस्क्राइब किया गया है, नाउन के बारे में बताया गया दैट शी इज़ हैप्पी. ठीक है, तो हैप्पी हेयर इज नाउन. एंड द नेक्स्ट, हैवी बॉक्स, सो बॉक्स हेयर इज, बॉक्स इज नाउन और नाउन को क्या है, बॉक्स कैसा है, बॉक्स इज हैवी, तो हैवी हेयर इज हमारा क्या है, हैवी, हैवी इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट हम देखते हैं रोप, लॉन्ग रोप, तो रोप क्या हुई हमारी, रोप इज अ नाउन और नाउन रोप कैसी है, मतलब नाउन के जो रोप है उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया, तो दैट इज़ लॉन्ग, मीन्स वो लंबी है, इसका मतलब लॉन्ग क्या है हमारा, वो क्या है हमारा, एडजेक्टिव है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नाउन क्या था, गर्ल थी, बॉक्स थी और रोप था, और उनके बारे में क्या बताया, गर्ल कैसी है, हैप्पी है, बॉक्स कैसा है, हैवी है, और रोप कैसी है, लॉन्ग है. तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव वर्ड. ठीक है, सो एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. एडजेक्टिव आर डिफरेंट टाइप, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. टू नो इफ द वर्ड इज एडजेक्टिव वी कैन आस्क क्वेश्चन लाइक वट काइंड, हमें नहीं पता ये वर्ड क्या है, ये वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट काइंड, कैसा है, हाउ मच, कितना है, या फिर हाउ मेनी. ठीक है, तो इस टाइप के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उनका जो आंसर मिलता है तो वो एडजेक्टिव वर्ड ही होते हैं. जैसे व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, सो गर्ल कैसी थी, हैप्पी गर्ल, हैप्पी थी गर्ल, तो हैप्पी वर्ड क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ. ऐसे व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स, बॉक्स कैसा था, किस टाइप का था, तो बॉक्स कहता था हैवी. ठीक है, हैवी, तो हैवी वर्ड हमारे सामने आया, तो हैवी जो आंसर आया वो क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव. ऐसे व्हाट काइंड ऑफ रोप कैसी थी, लॉन्ग, लॉन्ग रोप थी. ठीक है, तो हमें पता व्हाट काइंड ऑफ रोप कैसी थी, तो रोप कैसी थी, लॉन्ग थी, तो जो लॉन्ग वर्ड है वो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव. ठीक है, तो जब हमें व्हाट काइंड ऑफ या फिर इनका जो आंसर मिलता है, हाउ मच, हाउ मैनी, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो वर्ड जो इनका आंसर देते हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से. जैसे सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द काइंड ऑफ नाउन, ठीक है, कि जो नाउन है उसका किस टाइप का है उसको डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कैसा है, सपोज बेबी यहाँ नाउन है, क्यूट बेबी, बेबी कैसा है, क्यूट है, तो क्यूट वर्ड हमारा क्या हुआ, क्यूट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ. ऐसे ऑफिसर हमारे क्या है, नाउन है, और ऑफिसर कैसा है, ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है, ईमानदार ऑफिसर, ऑफिसर कैसा है, ईमानदार है, तो ऑनेस्ट वर्ड क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट में देखेंगे, सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन ऑल्सो. ठीक है, अभी तक तो हमें काइंड को बता रहा था कि नाउन कैसा है, लेकिन अब अगर हमें कोई वर्ड किसी नाउन और प्रोनाउन की कलर को शो करता है, ठीक है, सो दैट इज वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव. जैसे रेड रोज, अब रोज हमारा क्या है, रोज इज़ अ नाउन, रोज़ कैसा है, नाउन जो रोज है हमारा वो कैसा है, रोज़ कैसा है, रेड है, तो रेड वर्ड यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ. ऐसे ही ब्लू रिबन, तो रिबन के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है, रिबन कैसा है, ब्लू है, सो ब्लू वर्ड हेयर इज एडजेक्टिव. ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है वो काइंड को शो करता है और कलर को शो करता है. और हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पता चलता है इसे. सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन ऑल्सो. ठीक है, एडजेक्टिव ऑल्सो शो द साइज ऑफ नाउन. ठीक है, नाउन का साइज भी बताता है कि वो छोटा है, बड़ा है, ह्यूज है, टाइनी है, वो सब. ठीक है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो वो साइज जो है वो भी शो करता है एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे लिखा ह्यूज एलिफेंट, तो जो ह्यूज वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, एलिफेंट जो नाउन है उसके बारे में उसका साइज शो कर रहा है, सो दैट्स वाई ह्यूज वर्ड हेयर इज अ एडजेक्टिव. यहाँ पे एंट, टाइनी एंट, अब एंट कैसी है, छोटी है, तो एंट का साइज शो करने वाला वर्ड कौन सा है, टाइनी. सो टाइनी वर्ड जो है वो नाउन्स से पहले आते हैं ये एडजेक्टिव और उनको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, सो टाइनी वर्ड हेयर इज एडजेक्टिव.
उसके बाद देखते हैं हम एडजेक्टिव ऑल्सो डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन का नंबर भी डिस्क्राइब करते हैं कि एक है, दो है, पाँच है, दस है, कितने हैं नाउन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेंसिल, वन पेंसिल, अब ये वन वर्ड क्या है, नाउन से पहले आया नाउन, ठीक है, और पेंसिल क्या है हमारे यहाँ पे, नाउन है, कितनी है पेंसिल, एक, तो वन वर्ड जो है यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ। ऐसे ही फिंगर जो है वो हमारी नाउन है, और इससे पहले जो फाइव वर्ड आए, फिंगर कितनी है, फाइव, तो फाइव वर्ड हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्या क्या डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में, उसका कलर, साइज, काउंट, काइंड, ठीक है, और आगे हम देखते हैं और क्या करता है, कंपैरिजन भी शो करता है, ठीक है। अगर हमने टू नाउन्स के बीच में कोई कंपैरिजन करना है तो इट इज़ ऑल्सो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव, एंड दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जब हम वी यूज़ ई आर एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव, जब हम एडजेक्टिव है, जैसे हमने यहाँ पे देखा रवि इज टॉल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, रवि तो नाउन है, नाउन के बारे में क्या बताया, टॉल, टॉल वर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। लेकिन अब हमने कंपेरिजन किया, कंपेरिजन हम क्या करते हैं जब दो के बीच में हम तुलना करते हैं, ठीक है, कि अब जैसे यहाँ पे देखा सुमित इज़ टॉलर देन रवि, सुमित इज़ टॉलर देन रवि, मतलब सुमित जो है वो, ये सुमित है, ये हमारा रवि है, कि सुमित जो है वो टॉलर देन रवि, रवि से लंबा है। तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, कैसे किया, तो हमने अब यहाँ पे टॉल था तो यहाँ पे टॉलर, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो एडजेक्टिव है उसके बाद हम ईयर वर्ड का यूज़ करते हैं और फिर देन का, ठीक है, जो देन होता है वो कंपैरिजन को शो करता है, ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ हम ईयर का यूज़ करते हैं और साथ में देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सुमित इज टॉलर देन रवि, तो यहाँ पर अब हमारा एडजेक्टिव क्या है, टॉलर, ठीक है। ऐसे ही अभी तक तो हमने कंपेरिजन किया, अब हम बेस्ट ढूंढते हैं, बेस्ट क्वालिटी या फिर हाइएस्ट डिग्री को भी शो करता है एडजेक्टिव, कैसे करता है, देखें अभी तक तो हमने इन दोनों, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं रवि और सुमित की, तो हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अगर कोई तीसरा भी आ जाता है जो इन सबसे बेस्ट, मतलब इन तीनों से लंबा है, तो अब क्या हुआ, ये हमें बेस्ट क्वालिटी पता चल गई, कि हमें हाईएस्ट डिग्री पता चल गई कि भाई इन दोनों में, इन तीनों में से सबसे लंबा ये है, तो उस टाइम पर हम कैसे एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे सुमित इज टॉल एंड सुमित इज टॉलर देन रवि, तो जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने एडजेक्टिव के साथ ईआर का यूज़ किया। अब हम बेस्ट है, यहाँ पे हम बेस्ट डिग्री ढूंढ रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री, सो जय इज़ द टॉलेस्ट बॉय अमंग ऑल, टॉलेस्ट, तो अभी जब हम हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं तो हम एडजेक्टिव के साथ ई एस टी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इससे पहले, ठीक है, जैसे टॉलेस्ट हमने लिखा, इससे पहले हमेशा द वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इससे पहले हमेशा द वर्ड का हम यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री या फिर बेस्ट क्वालिटी या फिर हाईएस्ट डिग्री, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसके से पहले, ठीक है। कंपैरिजन के साथ हम देन का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के साथ द का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सुपरलेटिव मतलब बेस्ट, जैसे ही इज़ बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है, ही इज़ द बेस्ट, तो द का हम यूज़ करते हैं बेस्ट के साथ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हैं, सबसे पहले हमारी पॉजिटिव डिग्री आती है जिसमें थिन है, सिंपल होता है, जब हम टू का कंपैरिजन करते हैं तो हम थिनर का यूज़ करते हैं, जब हम इन सब में सबसे बेस्ट वन को ढूंढते हैं तो हम थिनेस्ट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारा द आता है इसके साथ, और यहाँ पे देन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, याद रखना आपने। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, अब स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना है, वाई की प्लेस पे हमने आई ई आर का यूज़ किया है, ठीक है, वाई को हटा के हमने आई आर और आई एस टी, ठीक है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपने, जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हम ई आर वाली डिग्री का यूज़ करते हैं, जब हम सबसे बेस्ट या फिर हाईएस्ट को ढूंढते हैं, सबसे सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो हम ई एस टी वाला वर्ड, वी एस टी हम एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने देखा कि जो हमारा एडजेक्टिव है दैट टेल यू अस अबाउट द साइज, अबाउट द नंबर, अबाउट द काइंड ऑफ नाउन, अबाउट द कंपैरिजन, बट सम वर्ड आर हेयर दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड ऑफ लाइक वर्ड ऑफ एडजेक्टिव बट लुकिंग लाइक प्रोनाउन बट एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे है सम प्रोनाउन दैट यू नो ऑल्सो वर्क, कुछ प्रोनाउन भी हमारे ऐसे होते हैं दैट ऑल्सो वर्क लाइक एडजेक्टिव, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट, इट्स, तो हम इनको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि हमारी बीच वाली लाइन होती है, अगर हम देखते हैं आई, माई, मी, ठीक है, वी, आर, अस,
ही हिज हिम ठीक है, शी हर हर ठीक है। तो जो ये हमारी हमारी ये वाली जो बीच वाली लाइन होती है ये वाली ठीक है, ये हमारी एज ए एडजेक्टिव काम करती है, तो इसको हम बोलते हैं पोजेसिव ठीक है एडजेक्टिव, इसको हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हमेशा इनके बाद किसी ना किसी नाउन का यूज़ हम करते हैं, सो दैट्स वाई हम इनको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे माई शर्ट, यहाँ पे लिखा है माई शर्ट, तो यहाँ पे माई क्या है एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही हर डॉग, उसका कुत्ता, तो डॉग किसका है उसका है, सो ये हर वर्ड जो किसका क्या एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है ठीक है। तो जब माई हिज हर योर इनके बाद आपको कभी भी किसी नाउन लगा हुआ हमेशा मिलेगा, और ये एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव ही काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द एडजेक्टिव। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज रिलेटेड टू द टॉपिक एडजेक्टिव। फॉर मोर वीडियो ऑफ ओलंपियाड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।